1 अप्रैल को मध्य प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं सहकारिता नेता सुभाष यादव की जयंती पर मूर्ति अनावरण किसान एवं सहकारी सम्मेलन में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल हुए। इसी बहाने वर्ष के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपना चुनावी बिगुल फूकेगी। बहुत दिनों के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता एक ही मंच पर नजर आए। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव की मूर्ति अनावरण समारोह में बोरावा पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा देश में हो रहे अलग अलग जगह दंगों को लेकर कहा कि ये दंगे कराए जा रहे हैं। दंगे किस लिए हो रहे हैं? पहले भी ये जुलूस निकालते थे, फिर पहले क्यों नहीं दंगे होते थे? चुनाव 6 महीने दूर है, लोकसभा चुनाव साल भर दूर है, दंगे शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, यह क्या हो रहा है? यह मैं पूछना चाहता हूं, अपने देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हो रहा। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव आज उनके पिताजी की जयंती के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में भावुक हुए। अपने पूज्य पिताजी पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव जी को याद कर भावुक हो गए और कहा, हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी का सदैव ऋणी रहेगा। कचरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। जी, मैंने आश्वासन दिया था, अब हमने आश्वासन दिया है कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे। हमने आश्वासन दिया है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कितने में देंगे? महिला को कितना मिलेगा? ये हमारा आश्वासन है। जैसे मैंने पूरा 11.5 महीनों में अपने कार्यकाल में शुरुआत करी थी, फिर से हमारी सरकार आएगी और हम मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए नई शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सही पटरी पर आए, हम नौजवानों के भविष्य के लिए निवेश आए। निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। आज जिसको सामान बेचना है तमिलनाडु और केरल में, उद्योग पंजाब और हरियाणा में लगाते हैं। हमारा प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश नहीं आते, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से है, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से है। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की छवि, मध्य प्रदेश की पहचान हम बदले, तभी यहाँ निवेश आएगा। निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधि बनती है, केवल रोजगार की नहीं, कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। और मुझे पूरा विश्वास है आप सब मध्य प्रदेश के मतदाताओं से, खास करके यहाँ आपके जिले से पूरा विश्वास है कि आप ये तस्वीर रखेंगे सामने, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, जहाँ हर वर्ग परेशान है, हमारा नौजवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है, खाद बीज किस चीज के लिए आज वो परेशान नहीं है, न्याय के लिए परेशान है, हमारी माताएं और बहनें असुरक्षित हैं, हमारे आदिवासी भाई आपसे सबसे कमजोर पर परेशान है, नंबर 1 है मध्य प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में, बलात्कार में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1। उनकी इच्छा है वो जहाँ जाए, देश के प्रधानमंत्री वो जाने, उनका काम जाने, हमें तो आम जनता से मतलब है। और आम जनता आज बहुत समझदार है, आपको उनको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हमारे 15 महीने की सरकार थी, ये सही है, 11.5 महीने मिले काम के लिए, 2.5 महीने गए आचार संहिता लोकसभा चुनाव में, जो हुआ मध्य प्रदेश की जनता मेरी गवाह है। और मैं जगह दंगे हुए हैं पूरे देश में, पत्रकारों पे भी हम लोग, ये दंगे कराए जा रहे हैं। दंगे किस लिए हो रहे हैं? पहले भी तो ये जुलूस निकलते थे, ये क्यों नहीं होते थे? चुनाव 6 महीने दूर है, लोकसभा चुनाव साल भर दूर है, दंगे शुरू हो गए, ये क्यों हो रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। अपने देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं रहा। हमारे देश के इतिहास, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है, भाई बंदे की संस्कृति है। सर, महाराष्ट्र में कौन करवा रहा है? ये पूछने की बात है, कौन करवा रहा है? चलिए, और शिवराज सिंह जी केवल सर्वे की बात करते हैं और कह रहे हैं राहत मिलेगा। एक किसान को 5 हफ्ते हो गए, 1 पैसा नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री था, मंदसौर नीमच में अतिवृष्टि हुई थी, हफ्ते भर में
कोई भी सर्वे की जरूरत नहीं थी। मैंने कहा ये फाइल का पेट हम बाद में भरते रहेंगे, आज जब किसानों को आवश्यकता है एक हफ्ते में इनको मुआवजा मिलेगा। ये आज मैं तो पूछना चाहता हूँ शिवराज सिंह जी से कि ये क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये कब बढ़ेगा? ये आज हालात है, गेहूँ का भाव ले या मालवा निमाड़ में लहसुन का भाव ले, टमाटर प्याज गेहूँ का क्या हाल है? आज हमारा कृषि क्षेत्र जो हमारे मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का 70% है, आज हमारा कृषि क्षेत्र बड़े परेशानी में है। किसान जो भटक रहा है खाद के लिए, बीज के लिए, न्याय के लिए, ये आज हालात है। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश की जनता पर पूरा विश्वास है। मेरे पास ये आंकड़े हैं कि कुल कृषक कितने हैं, उत्पादन के कितने और कितनी खरीदी हुई, गेहूँ की खरीदी बंद, समर्थन मूल्य तो छोड़िए, ये झूठे महाराज हमारे शिवराज, इन्होंने रोज एक झूठ, बिना झूठ बोले हुए इनका खाना हजम नहीं होता। और 215 महीनों में इन्होंने 215 घोटाले किए हैं, तो मध्य प्रदेश को एक घोटाला प्रदेश बना दिया गया है। ये मैं समझता नहीं हूँ कैसे विकास यात्रा निकालते हैं, 160 क्षेत्रों में तो विकास यात्रा की खिलाफ मूवमेंट हुआ, लोगों ने चिल्लाया विकास यात्रा 160 स्थानों पर, ये तो सब मीडिया में आया। और ये हिसाब यात्रा निकाले, इनको समझ आ जाएगी कि क्या है। आज मध्य प्रदेश बाल अपराध में नंबर वन, आदिवासी अपराध में नंबर वन, दलित अत्याचार पर नंबर वन, महिलाओं अत्याचार नंबर वन। आज इस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी के तमाम जो साथी हैं, आज उनकी उपस्थिति यहां पर इस कार्यक्रम में हुई है, उनका जो स्नेह, उनका जो आशीर्वाद लगातार हम पे और हमारे पूरे परिवार पे रहा है, उसके लिए मैं हृदय से सभी स्वर्गीय पिताजी के साथी को मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। और हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।